जिलाधीश नीलेश क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज समय सीमा की बैठक जिला प्रशासन के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जहां पर जिलाधीश ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखें, शासन प्रशासन के साथ ही सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाए, इस पर किसी भी किस्म की नरमाई नहीं बरती जाए। ऐसे तत्वों की पहचान करें जो भड़काऊ किस्म के पोस्ट वायरल करते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में समय समय पर संस्कृति, साहित्य या खेल कूद के गतिविधियां जारी रहना चाहिए। नरवा घुरवा बारी बकरी को लेकर उन्होंने कहा कि जिन विभागों को बजट की आवश्यकता हो वे जिला पंचायत के माध्यम से बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जो जिले के फ्लैगशिप योजना है उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, जो राज्य शासन से अलग से एक निर्देश मिले हैं। कोरोना के समय पे जन चौपाल जो लोगों को मिलते थे वो थोड़ा बंद था, तभी जन चौपाल फिर से चालू हुआ है। उसको भी सभी नागरिक लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि जो वैसे हर दिन तो हम मिलते ही हैं, लेकिन मंगलवार के दोपहर के बाद तो हमारे सभी अधिकारी एक ही जगह पे आप सभी को मिलेंगे। आपके कुछ शिकायत या कुछ मांग होगी तो आप जिला कलेक्ट्रेट मंगलवार दोपहर कभी भी आ सकते हैं। सर, धान खरीदी को लेकर आज क्या निर्देश दिए हैं सर? धान खरीदी का जो व्यवस्था है उसको और अच्छे तरह से किए जा रहे हैं, खासतौर पे देवभोग और हमारे मैनपुर के कुछ क्षेत्र से कुछ बाहरी राज्यों का धान के आने की गुंजाइश बनी रहती है। उसके लिए जिले में 23 जो पोस्ट बनाए गए हैं उसमें चेकिंग किया जा रहा है। इसके साथ जब भी पूरी व्यवस्था की तैयारी की गई।